दोस्तों सस्ते आईफोन का हम कितने टाइम से वेट कर रहे हैं, कब हमें मिलेगा अफोर्डेबल प्राइस पे एक नया आईफोन। ऐसे में आईफोन SE की काफ़ी डिटेल सामने निकल के आ चुकी है। इस तरह का आपको मिल सकता है आईफोन SE। ये तीन कलर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, मतलब फिलहाल तो यही कलर सामने निकल के आए हैं। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सच में रहेगा एक सस्ते वाला आईफोन जिसका हम वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। इस फोन का नाम होने वाला है आईफोन SE 2020। US में इसका प्राइस हो सकता है $399, मतलब कि अगर आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो 30,000 के आसपास मिलेगा आपको आईफोन SE 2020 US में। कुछ टाइम पहले सुनने में आ रहा था कि इंडिया में ये आपको बहुत ही अच्छी प्राइसिंग पे मिलेगा, मतलब 25-30 हज़ार की रेंज में। बट अब उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि इंडिया में ये आपको इतने कम प्राइस पे नहीं मिलने वाला। इंडिया में इसके लिए आपको 35-40 हज़ार के आसपास पे करने होंगे रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग। बाकी कुछ कन्फर्म होती मैं आपको इन्फॉर्म जरूर करूँगा। अगर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में तो यहाँ भी आपको वही लेटेस्ट चिप मिलेगी जो कि हम आईफोन 11 सीरीज में यूज़ कर रहे हैं, बायोनिक A13। तो परफॉर्मेंस को लेकर तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसके साथ। तो अगर आपको वही टच ID वाला आईफोन चाहिए तो इसका अपडेट कर सकते हैं। हमारा अगला अपडेट है Realme की तरफ से। दोस्तों Realme 3 और Realme 3i इन दोनों को अर्ली एक्सेस मिल चुका है Android 10 बेस्ड Realme UI का। ऐसे में आपका ये फायदा है, अगर आपको अपडेट का वेट नहीं करना, आपको चूल मची हुई है, तो आप मैनुअली ये इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करने वाला कि आप पहले ही इसको इंस्टॉल कर लो, क्योंकि अभी आपको इसमें काफ़ी सारे बग्स भी देखने को मिलेंगे। तो अगर आपका प्राइमरी फ़ोन है जिसमें आप ये इंस्टॉल करने वाले हो तो अभी आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं OnePlus के बारे में तो OnePlus 8 Pro की प्राइसिंग का आइडिया लग चुका है। ये आपको 60-65 हज़ार के बीच में देखने को मिल जाएगा और मैक्सिमम ये जाएगा 74-75 थाउजेंड तक। इनके बीच में आपको इसके सभी वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे OnePlus 8 Pro के। और दोस्तों OnePlus 8 Pro में जो आपको डिस्प्ले मिलेगा वो इस बार नेक्स्ट लेवल का रहेगा। डिस्प्ले मेट पे इसने कई रिकॉर्ड्स इस बार ब्रेक कर दिए हैं, तो देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। और जो आपको OnePlus 8 या फिर OnePlus 8 Lite मिलने वाले हैं उनको लेकर अभी कोई डिटेल सामने नहीं आई है कि उनका प्राइसिंग क्या आपको देखने को मिलेगा, उसका हम वेट करते हैं। बाकी क्या आप एक्साइटेड हैं OnePlus 8 सीरीज के लिए, बताना मुझे कमेंट्स में। और किस फ़ोन के लिए आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं ये भी बताना मुझे। अगला अपडेट है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी A21s। ये फ़ोन भी आपको जल्दी देखने को मिलने वाला है, Geekbench पे ये फ़ोन लिस्ट हो चुका है। ये फ़ोन स्पेशली रहेगा ऑफलाइन मार्केट के लिए, 11-12 हज़ार की रेंज में ये आपको मिलेगा। अब यहाँ पर खास बात यह है कि आपको Exynos का नया प्रोसेसर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, Exynos 850, जो कि बनाया है स्पेशली बजट सेगमेंट के लिए। अब देखना ये होगा किस लेवल का ये परफॉर्म करेगा, क्या ये बेटर होगा Exynos 7904 से, ये हम देखेंगे आने वाले टाइम में। उसके बाद हम बात करते हैं Google Play और App Store के बारे में। तो इस टाइम दोस्तों ये दोनों पूरी तरह से हाई लेवल पे जा चुके हैं। Q1 2019 के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। रीज़न आप सबको पता है, लॉकडाउन है, सब लोग घर पे बैठे हैं, तो दबा के एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया जा रहा है स्मार्टफोन्स में, चाहे हम आईफोन की बात करते हैं या फिर बात करते हैं एंड्रॉयड के बारे में। ये एक लिस्ट भी आ चुकी है एप्लीकेशंस की जो जिस तरह से इंस्टॉल की जा रही है, पॉज करके लिस्ट आप ये देख सकते हैं। अगला अपडेट है Xiaomi की तरफ से। Xiaomi ने चाइना में 2 TV लॉन्च कर दिए हैं। पहला है Mi फुल स्क्रीन TV Pro 75 इंच का, दूसरा है Mi TV 4A 60 इंच का, और ये दोनों ही हैं 4K स्मार्ट TV। अब जो ये 75 इंच वाला TV है इसका प्राइस चाइना में रखा गया है 65,000 के आसपास। लेकिन जो ये दूसरा TV है Mi TV 4A 60 इंच वाला, ये आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है। ये आपको चाइना में 21-22 हज़ार की रेंज में मिलेगा और इंडिया में भी ये TV आपको जल्दी देखने को मिलने वाला है। और चाइना में Xiaomi ने Mi बनी वॉच 4 भी लॉन्च कर दी है जिसका प्राइस है 9,500 के आसपास। यहाँ पर आपको 5G का सपोर्ट भी मिल रहा है, ये डिज़ाइन आपको मिलता है Mi बनी वॉच 4 का। इंडिया में हम वेट करते हैं इस वॉच का, भाई क्या आपको ये वॉच इंडिया में चाहिए, अगर चाहिए तो किस प्राइस पे आप ये लेना चाहेंगे इंडियन मार्केट में, बताना मुझे कमेंट्स में। एक बार लॉकडाउन खुलने दो, सभी ब्रांड्स बिल्कुल तैयार बैठे हैं अपने न्यू प्रोडक्ट्स इंडिया में लॉन्च करने के लिए। रियलमी, शाओमी, वन प्लस, मोटोरोला, सबकी तरफ से आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। सैमसंग और एप्पल भी इस लिस्ट में है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि है Huawei की तरफ से। Huawei की नोवा सीरीज के न्यू फोन आपको देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर इस बार आपको 3 फोन देखने को मिल जाएंगे, Nova 7, Nova 7 SE और Nova 7 Pro। रूमर्स के अकॉर्डिंग 23 अप्रैल को इन तीनों स्मार्टफोन्स का लॉन्च है चाइना में।
यहाँ पर आपको इस तरह का मिल जाएगा क्वाड कैमरा सेटअप ग्लास बिल क्वालिटी के साथ। अगर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में तो तीनों में आपको अलग अलग टाइप का प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। सबसे कम प्राइस वाले फ़ोन में रहेगा किरिन का 820, उसके बाद रहेगा किरिन का 985 और सबसे महंगे वाले में रहेगा किरिन का 990 प्रोसेसर। तो देखते हैं क्या क्या हमें हुआवे की तरफ से नया देखने को मिलता है। उम्मीद पूरी है कि इंडिया में भी आपको ये फ़ोन जल्दी देखने को मिल जाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।